अग्निहोत्री की बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जलवा बरकरार है। 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार और नरसंहार पर बनी ये फिल्म सुपर डुपर हिट जा रही है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। देश के कई सेलिब्रिटी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ये फिल्म देखी और जो प्रतिक्रिया दी वो सुनने और समझने लायक है। आखिर तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कश्मीरी हिंदुओं के विभत्स नरसंहार की हकीकत को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स देख ली है। तस्लीमा ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें फिल्म देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भी सवाल खड़े किए। तस्लीमा नसरीन ने कहा, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने का उनका हक वापस मिलना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज द कश्मीर फाइल्स देखी, यदि कहानी 100% सच है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया, कोई आधा अधूरा सच नहीं दिखाया गया, तो सही में ये बेहद दुख भरी कहानी है और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने का हक वापस मिलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी हिंदुओं के निकाले जाने पर किसी ने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई। वहीं यदि द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 115 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत और पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धमाल मचा रही है। अनुमान है कि ये फिल्म 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करेगी। फिल्म के रिलीज को अभी एक सप्ताह ही हुआ है। इसकी स्क्रीन्स में भारी इजाफा किया गया है। माना जा रहा है कि दूसरे सप्ताह में भी ये फिल्म बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी। आपको बता दें कि देश भर में इस फिल्म को सराहा जा रहा है। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक भावुक हो रहे हैं, वहीं कई अपने अनुभव और कहानी को भी शेयर कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी द कश्मीर फाइल्स की प्रशंसा की थी। उन्होंने निदेशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर को दर्शकों के सामने सच्चाई रखने के लिए बधाई दी थी। भारत के कुछ राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त भी कर दिया गया है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और नरसंहार पर किताब लिखी थी लज्जा, जिसमें कश्मीरी पंडितों की तरह ही क्रूरता की बात बताई गई थी, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश में बैन कर दिया गया, जो अब भारत में रह रही हैं। तस्लीमा नसरीन अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। हिजाब पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी और कहा था कि गलत प्रथा शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर कई मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं ने फतवा जारी कर दिया था। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।